Hello friends, welcome back in this series of Monday Mindset Month. Today's topic is very useful for you all, so do watch till the end. Today's video is about the importance of character development for the development of personality. Character को हिंदी में चरित्र कहते हैं दोस्तों. यदि आपका चरित्र ठीक तरह से डेवलप नहीं हुआ तो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि देयर कैन नॉट बी एनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विदाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट. एक कहावत है दोस्तों जो आपको पता होगी कि आप बेशक दूसरों से अपने चरित्र को छुपाने की कोशिश कर लो, पर अपनी आंखों से आप अपने चरित्र को नहीं छुपा सकते. वी कैन असेस अवर ओन कैरेक्टर इफ वी लुक एट अवर ओन सेल्फ, नॉट जस्ट द एक्सटर्नल ब्यूटी बट विद द पावर ऑफ एजुकेशन वी कैन लुक अवर इंटरनल साइड टू नो अबाउट अवर कैरेक्टर. Unless you don't have strong character, you will not get respect. आप चाहे education के मामले में बहुत ऊपर हों, आपने चाहे PhD की डिग्री हासिल कर रखी हो, लेकिन अगर आपका चरित्र सही नहीं है तो आप सबसे अगलीस्ट पर्सन हो. So, beauty of your character is important rather than other materialistic acquisitions. In SSP, there is not such core quality named as character, but integrity is the part of OLQs. Still, character has to do with the upgradation of honesty and integrity within us. You need to ask yourself whether you are a person of such quality who is honest with oneself or has the integrity in yourself, and whether you can judge others' honesty or integrity. इससे पहले आपको जानना होगा कि आखिर character क्या है. एक छोटी सी statement देता हूँ आपको. The truth of your character is expressed through the choice of your actions. Ask yourself, are you responsible for your actions? Or you compromising with your character? आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो. Your actions should speak louder than your words. Words तो एक मुखौटा है. हम सब बोलने में तो माहिर हैं, पर जो हम छुप कर कर रहे हैं ना, that is our character. Character development is the primary requirement before you develop your personality. External polishing तो कोई भी कर देता है दोस्तों, लेकिन अंदर से core ठीक करना बहुत जरूरी है, और अंदर से आप खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हो. अगेन आई एम कोटिंग दीज लाइंस, देयर कैन नॉट बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विदाउट डेवलपमेंट ऑफ योर कैरेक्टर. आप लोग तो TAT, SRT, WAT डेवलपमेंट में लगे पड़े हो, आपको इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा. मैनी ऑफ यू मे हैव दोज एट्रीब्यूट्स विच आर रिक्वायर्ड, बट मोस्ट ऑफ यू मे नॉट हैव, सो यू हैव टू डेवलप दोज एट्रीब्यूट्स फर्स्ट टू बी सक्सेसफुल एज अ पर्सन, नॉट जस्ट टू क्लियर SSB बट टू बी अ गुड ह्यूमन. Because SSB is a part of life, it is a subset of life. और एक बात बता दूं आपको दोस्तों कि character development में shortcut देखने वालों का character weak होता है और shortcut दिखाने वालों का भी character weak होता है. Character development किसी shortcut method से नहीं achieve किया जा सकता. आपको कोई shortcut नहीं अपनाना. स्वामी विवेकानंद जी से किसी अंग्रेज ने एक बार पूछा that why can't you wear suit boot so that you look like a gentleman? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने ड्रेस थोड़ी अलग प्रकार की पहनी हुई थी, उस अंग्रेज को थोड़ी अजीब लगी तो उन्होंने ये प्रश्न किया. तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बोला, इन अवर कल्चर इन अवर कंट्री द टेलर डज नॉट मेक अस अ जेंटलमैन, अवर कैरेक्टर डज. क्या बोला उन्होंने कि हमारी सभ्यता और हमारे देश में दर्जी हमें जेंटलमैन नहीं बनाते, लेकिन हमारा चरित्र हमें जेंटलमैन बनाता है. तो SSB जा रहे हो, मेक श्योर यू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. TAT, WAT, SRT फट्टा बल्ली तो कर लोगे, पर अगर कैरेक्टर वीकनेस में कहीं डिटेक्ट हो गए ना, यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस. समझना, हार्डवर्क इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर कैरेक्टर. वी आर जस्ट ट्राइंग टू पॉलिश अप द आउटसाइड, बाहरी नकाब को बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम, पर अंदर से खोखले हैं. वट इज द यूज ऑफ पॉलिशिंग अप द आउटसाइड वेन देयर इज नो इनसाइड? वट इज द यूज ऑफ चेंजिंग द गिफ्ट रैपिंग वेन द गिफ्ट इटसेल्फ इज करप्टेड? So you need to understand that how much one's character is important to develop personality. Nobody can change you. You yourself has to change you. You have to grow as a person so that you can compel SSB to recommend you. SSB में आप जाओ और मुंह खोलो तो लगना चाहिए कि आप कहीं से आए हो. SSB में you need not to manipulate anything. There you need to accept that what you cannot change and what you can change. You should push yourself in that domain to unturn every stone towards success.
The biggest mistake of a student is that they search shortcuts, easy to digest things. In that effort, they forget about their development. रट्टा लगाने के पीछे लगे हुए हैं बस. This will not serve the purpose. You need to understand that SSB doesn't need shortcuts. उन्हें बंदे में दम चाहिए. तो आपको समझना होगा that you and you only can change your हालात. So, with these lines, I am concluding this video that for development of your personality, you need to develop your character. I hope that you had gained something from this video. If you want such more videos, then be a part of this family SSB Strokes by subscribing to this channel and pressing the bell icon for all latest updates. Till then, take good care of yourself. Stay safe, stay healthy. Jai Hind!